आपको पता है कि मेरे 2 महीने से तकरीबन ब्लॉग नहीं आए। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, उम्मीद करता हूँ आपने भी मेरे ब्लॉग को बहुत मिस किया होगा। तो आज एक दोस्त की रिकमेंडेशन पे हम लोग आ गए हैं शादबाग। अब फिर हम बीफ कबाब वाले हैं। बीफ कबाब जो है कितनी देर से खा रहे हैं? बचपन से। और क्या है असलामुअलैकुम फूडीज, क्या हाल चाल है जनाब के? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका होस्ट आपका दोस्त और वफाक ये हाजिर है आप लोगों की खिदमत में एक न्यू ब्लॉग के साथ। सबसे पहले आप लोगों से माजरा सही, आपको पता है कि मेरे 2 महीने से तकरीबन ब्लॉग नहीं आए। मोबाइल में था कुछ मिस ऐप हो गया था मेरे साथ, तो उस वजह से ब्लॉग ही नहीं आ सका। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, उम्मीद करता हूँ आपने भी मेरे ब्लॉग को बहुत मिस किया होगा। और काफी दिनों से मुझे क्रेविंग हो रही थी बीफ कबाब खाने के लिए। तो आज एक दोस्त की रिकमेंडेशन पे हम लोग आ गए हैं शादबाग। शादबाग में अब फिर हम बीफ कबाब वाले हैं, ये बड़े मशहूर हैं। तो आज इनको ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करते हैं, अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बगैर टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट द वीडियो, आ जाए। हाँ भाई फूडीज, ये हैं टोटल मेन्यू है जिसमें आप लोगों को बीफ कबाब, चिकन कबाब, बीफ टिक्का वगैरह मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेन्यू नजर आ गया, आप ऑर्डर करते हैं और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करते हैं। हाँ भाई फूडीज, हम लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया है और क्या हैवी किस्म की यहाँ पे मसाला रश लगा हुआ है। और भाई यहाँ पे बल्क क्वान्टिटी में जो है बारबेक्यू बनाया जा रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं। और अभी हमने ऑर्डर जो दिया है वो आता है तो फिर उसका खाते हैं और आप लोगों को रिव्यू शेयर करते हैं। हाँ भाई फूडीज, हम लोगों का ऑर्डर आ गया। हमने ऑर्डर किए इनके बीफ कबाब, मलाई रोटी, नाजलेट और बीफ टिक्का। बीफ टिक्का नहीं अभी आया, वो आता है तो दिखाते हैं। इसके साथ आपको सही रायता सलाद मिल रहा है और रायता भी अच्छी निकल गया लग रहा है। और जिस दोस्त ने हमें रिकमेंड किया था भाई, वो भी आज आ गए हमारे साथ। अभी अंदा भाई क्या हाल है? ठीक हो? और हमारे व्यूअर्स को बताओ आप यहाँ पे बीफ कबाब जो है कितनी देर से खा रहे हो? बचपन से। तो कैसा लगता है टेस्ट आपको? बेहतरीन है, बेहतरीन है। तो आप भाई खाते हैं और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करते हैं। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि एक मिनट वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा बीफ टिक्का भी आ जाए तो सारा खाना एक साथ ही खाते हैं आप लोगों को। हाँ भाई, हमने ऑर्डर किया था इनका बीफ टिक्का, लेकिन जनाब ये हमारे पास चिकन टिक्का ही आया, कहते हैं 11 बजे के बाद मिलेगा। तो अब खाते हैं पहले और बताते हैं कैसे है। बगैर नान के पहले बात जो हमने आज और क्या हैवी किस्म का जूसी कबाब है। और मैं अगर करीब से दिखाऊं क्या है सीन बन रहा है इसका। अब इसको खाते हैं, वैसे ही और बताते हैं कि ठीक है। हमजा भाई वक्त यार बहुत लेवल का कबाब है और मजा आ गया। मतलब इतना एक सॉफ्ट है, इतना एक जूसी है, तो मुंह में जाते ही जाते घूल गया वो बड़ा सीन है। तो मजे का भाई। और हमने ऑर्डर किए इनकी मलाई रोटी, यार कितनी सॉफ्ट है ये भी। बगैर नाम ये पहले हम इनको ट्राई करते हैं क्या टेस्ट आता है वो बताते हैं आपको। बहुत लेवल की मलाई बोटी भाई, बहुत लेवल की, बहुत लेवल ये खाली यानी कि बीफ कबाब के लिए हम जो आए हैं यहाँ पे। तो हमने जो मलाई बोटी ऑर्डर की है, मतलब उसमें पछतावा नहीं है, बहुत मजे की चीज है। अब ये इनकी फाइनल जो आइटम है नेबलेट, नेबलेट तो यार हमेशा खाने में प्रॉब्लम होती है, इसको ट्राई करते हैं। भाई
अगर आप स्पाइस लवर हो तो दिस प्लेस इज फॉर यू, आप लोग आओ आगे यहाँ पे इनका बारबेक्यू फुल एंजॉय कर सकते हो अगर स्पाइस लवर हो तो। मैम स्पाइसेस इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक्सट्रीम नहीं है, मतलब अगर नान के साथ ही आप खाते हो तो आपको फुल फ्लेवर आ रहे हैं। अगर मैंने अभी सिर्फ ऐसे ही टेस्ट किया तो जो क्या मुंह में इनके मसालों के फर्स्ट में है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अब एक हमारी आखिरी आइटम जो है वो रह गई है चिकन टिक्का, हमने और बीफ टिक्का ऑर्डर किया था लेकिन ये हमें मिला चिकन टिक्का। अब इसको भी ट्राई कर लेते हैं, इसका क्या सीन है। भी ठीक है, अच्छा है, मतलब जो आम बीफ टिक्का होता है उससे बेहतर है। उसकी रीजन ये है कि इनका मैंने जो स्पाइस लेवल है ना बहुत अच्छा है, मतलब स्पाइसी लोगों के लिए, तो मतलब जो फ्लेवर्स आ रहे हैं ना मोमो बहुत मजे वाले आ रहे हैं। तो अगर आप लोग स्पाइस लवर हो तो दिस प्लेस इज फॉर यू, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप लोग आओ ट्राई करो और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप लोगों को कैसा लगता है। आज भी पूरी हम लोगों ने माशाल्लाह खाना खा लिया है और रिव्यू आप लोगों को दे दिया है। इब्रार हमारे साथ आया, अब इससे पूछते हैं इब्रार को कैसा लगा। इब्रार कैसा लगा? बेहतरीन टेस्ट है, मैं सब जबरदस्त मजा। रेट करोगे तो कितना रेट करोगे? 10 out of 8 करूंगा। 10 out of 8 ठीक हो गया। और हमजा भाई आप जी, आपको कैसा लगा? बेहतरीन, हम तो खाते रहते हैं, आप आए थे तो बाप ठीक। आपको कैसा लगा? मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अगर मैं रेट करूंगा तो आई वुड रेट 8.5 out of 10, और अगर आप रेट करो तो आपको आप क्या रेट करोगे? मैं तो एवरेज है, 7 out of 10 कर लूं। ठीक हो, आज हम लोगों ने अपना खाना सारा खा लिया, रिव्यू आप लोगों को दे दिया, रेटिंग आप लोगों को दे दिया। मैं चाहता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में लाहौर के किसी और फूड स्पॉट को एक्सप्लोर करते हुए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।